गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया है। जी हां, कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद इस पर क्या बोल गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, ये सब हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। सबसे पहले देखिए हार्दिक पटेल का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा, आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। उनके इस्तीफा देते ही इस पर एक बड़ा बयान आया है राहुल गांधी की तरफ से, देखिए उनका ये वीडियो। और बहुत सारे लोग डर नहीं रहे कांग्रेस के बारे में, सब हमारे उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहां डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ आरएसएस के और जाओ, भागो मजे लो, हमने चाहिए जरूरत नहीं तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी है। ये मेरा बेसिक मैसेज है। इसके बाद इस पर कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी लिखते हैं, जिन्हें डर लगता है उन्हें हार्दिक आभार, जो सच के साथ खड़ा है वो विचारधारा के साथ डटा हुआ है। लोगों ने भी इस पर अपनी अपनी राय रखी। यूजर प्रेमचंद्र लिखते हैं, बिल्कुल राहुल गांधी सर, अच्छा हुआ हार्दिक पटेल चला गया इलेक्शन से पहले, नहीं तो नुकसान कांग्रेस को होता। इसके बाद इस पे श्रवण कुमार लिखते हैं, हार्दिक पटेल ने बीजेपी के आगे घुटने टेक दिया। अब क्या है इस खबर पर आपकी राय, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता दें।